फिल्मों के फ्लॉप होने पर अनुराग कश्यप का तीखा बयान, लोग करने लगे चौंकाने वाले कमेंट्स। अनुराग कश्यप हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनकी बातें लोगों को बुरी भी लग जाती हैं। इस समय अनुराग कश्यप तापसी पन्नू के साथ अपनी आने वाली फिल्म दोबारा को लेकर चर्चा में है। अनुराग को सुनना और उनकी फिल्में देखना दर्शक काफी पसंद करते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म मेकर ने हिंदी फिल्मों के ना चलने पर अनोखा बयान दिया है। उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाया भी है। अनुराग कश्यप ने इंटरव्यू के दौरान साउथ और हिंदी फिल्मों को लेकर भी तुलना की। अनुराग ने कहा कि जितना बताया जा रहा है स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। फिल्म निर्माता केवल मीडिया में बनाई जा रही कहानी से डर महसूस कर रहे हैं। उनको डराया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग इसे खरीद लेते हैं और दूसरे नहीं। बॉलीवुड में हर तरीके की फिल्में बनाई जा रही हैं और बड़ी फिल्मों को लेकर सिर्फ धारणाएं बनाई जा रही हैं। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि लोगों को कैसे पता कि साउथ की सभी फिल्में चल रही हैं? उनको पता ही नहीं होगा कि पिछले हफ्ते वहां कौन सी फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि वहां भी यही हाल है। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि लोगों के पास फिल्म देखने के पैसे ही नहीं है। यहां पनीर पर तो GST लगा हुआ है। जब लोग खाने पीने की चीजों पर GST देंगे तो उससे ध्यान हटाने के लिए ये बॉयकॉट का गेम चल रहा है। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि लोग हमेशा वही फिल्में देखने जाते हैं जिनके बारे में वो श्योर होते हैं कि वो फिल्म अच्छी है, या फिर जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर बात करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि आप बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में बात करते रहो और लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि देश में असल समस्या क्या है। उन्होंने आगे कहा कि देश को आजाद हुए भले ही 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अनुराग कश्यप के बयान पर लोगों ने जो कहा वो भी देखिए। एक भाई ने ट्वीट में लिखा, अनुराग कश्यप ने कहा है कि पनीर पर GST देने से पैसा बचेगा, तब तो लोग मूवी देखने जाएंगे ना। तो इस शुक्रवार को अनुराग और तापसी पन्नू की मूवी आ रही है दोबारा। तो अनुराग जी, हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम आपकी मूवी देखने भी नहीं आएंगे। एक और भाई ने लिखा, फिल्म बहिष्कार वालों का असली मजा अनुराग कश्यप ने लिया है। दर्शक का पैसा दूध पनीर पर GST देने से बचेगा, तब ना थिएटर जाएगा। एक भाई ने ट्विटर पर लोगों से निवेदन किया और लिखा, इनकी अकल तभी ठिकाने आएगी जब बॉलीवुड समाप्त हो जाएगा। देश की संस्कृति को खत्म कर दिया इस बॉलीवुड ने, आओ मिलकर इस बॉलीवुड संस्कृति को बंद करें। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, देश में बॉलीवुड के लिए अब सुरक्षित माहौल नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम देख का विरोध होने लगा। कुछ एक्टर और एक्ट्रेस के चलते बॉलीवुड में भी राजनीति घुस गई है। लाखों लोग इससे जुड़े हैं, सबकी रोजी रोटी को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा। आप फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।